सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ गया हूँ जो कि ग्रीनफील्ड कॉलोनी के ए ब्लॉक में होने वाली है। और ये कुछ प्रॉपर्टी रहेगी, आप देख सकते हो ऊपर से नीचे तक। ये इसका फ्रंट एलिवेशन रहेगा वुडन टच के साथ, काफी अच्छा और एकदम शानदार बनाया हुआ है। आप आसपास की लोकेशन देख सकते हो, आसपास पूरी बसावट है, सभी जगह लोग रहते हैं। और आप मेरे लेफ्ट में भी देख सकते हो, आसपास पूरी बसावट है। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको मेन 60 फीट रोड पे पड़ती है। आप रोड की चौड़ाई चेक कर सकते हो, 60 फीट रोड पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है। और ये कुछ इसके एंट्रेंस रहेंगे, दो मेन एंट्रेंस दिए हुए हैं जहाँ से आप गाड़ी एंटर करोगे, और एक वॉक इन का दिया हुआ है। और ये अंदर आते ही पर फ्लोर के अकॉर्डिंग ये सेपरेट सेपरेट आपको टैंक मिल जाते हैं जो कि पर फ्लोर के अकॉर्डिंग रहेंगे। एक आपको सिंगल एक फ्लोर के साथ मिलता है, 3000 लीटर के टैंक है। ये पूरा स्टिल्ट पार्किंग रहेगा, ये आप देख सकते हो, ये एंड तक पूरी स्टिल्ट पार्किंग रहेगी। माइट भी पीछे अभी सर्वेंट रूम बनने बाकी हैं, शायद पीछे सर्वेंट रूम बनेंगे क्योंकि अभी उसमें पीछे टाइल वगैरह पत्थर वगैरह लगी नहीं है। माइट भी हो सकता है वहाँ पीछे सर्वेंट रूम बने। और लिफ्ट का सेक्शन आ जाता है, यहाँ पे आपको लिफ्ट मिल जाती है। और इधर आपको मोटर्स वगैरह का कनेक्शन आप लगा सकते हैं। ये हमारी स्टेयर्स आ जाती है जो कि आपको ऊपर लेके जाएगी। तो आइए चलिए चलते हैं ऊपर। गाइस, अब मैं इसके अपर ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका हूँ। अपर ग्राउंड फ्लोर एक्चुअल में सोल्ड आउट है, बट इसका जो अवेलेबल है सेकेंड और थर्ड फ्लोर अवेलेबल है। टॉप और अपर ग्राउंड फ्लोर सोल्ड आउट है। और अगर कुछ हमारा एंट्रेंस रहेगा, ये आप देख, यहाँ पे आपको ये ओजोन का फिंगरप्रिंट वाला लॉक मिलता है। ये देखिए, मैं ये फिंगरप्रिंट और ये अनलॉक हो गया। तो आइए, मैं अंदर आ चुका हूँ। और अंदर आते ही ये आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया आ जाता है। डाइनिंग एरिया आपको सेपरेट मिल जाता है। ये जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये हमारा लिविंग एरिया आएगा, लाइक सोफे वाला एरिया। सामने आपको ये टीवी पैनल एज इट इज आपको बना हुआ मिलेगा। और ये आपको डिवाइडिंग किया हुआ है डाइनिंग एरिया को, ड्राइंग एरिया को। ये पार्टीशन भी आपको एज इट इज ऐसा ही मिलेगा जैसा आप देख रहे हो। और इस एरिया की, मतलब जहाँ सोफे वाला एरिया, इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए। फॉल सीलिंग आपको वुडन टच के साथ मिलती है, काफ़ी अच्छी और एकदम शानदार लग रही है। और इस पार्टीशन से इधर हमारा ये पूरा डाइनिंग स्पेस आ जाता है। ये हमारा डाइनिंग स्पेस आप देख सकते हो, काफ़ी स्पेसियस आपको मिल जाता है, काफ़ी स्पेसियस आपको मिल जाता है। और यहाँ सामने आपको मंदिर का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे आपको मंदिर बना बनाया मिलेगा जैसा आप देख रहे हो। बिल्डर ऑलरेडी काम करके आपको एज इट इज देंगे। ये पार्टीशन भी आपको एज इट इज मिलेगा। आप इस डाइनिंग एरिया की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो, वुडन टच के साथ। सामने हमारी किचन आ जाती है, काफी स्पेशियस आपको किचन मिल जाती है, काफी स्पेशियस आपको किचन मिल जाती है। और इसमें आपको हर चीज का ध्यान रखा गया है, ये आप देख सकते हो। इधर आपको दो सिंक मिल जाती है, जगवार्स की सारी फिटिंग्स मिलती हैं, तो विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के पर्पज से, एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ मिलता है। मॉड्यूलर किचन एज इट इज आपको, मॉड्यूलर किचन एज इट इज आपको ऐसी मिलेगी, आप देख सकते हो, काफ़ी स्पेसेस आपको स्पेस मिल जाता है। और इधर भी प्रॉपर हाइड्रोलिक फिटिंग के साथ है। और इधर आपको ओवन और ओटीजी का स्पेस अलग मिल जाता है, और ये पेंट्री का स्पेस अलग मिल जाता है जो कि काफ़ी स्पेसियस है। किचन बहुत खुली बनाई हुई है। और अब इस किचन के बाद अब मैं आपको इसका फर्स्ट बेडरूम दिखा रहा हूँ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम रहेगा। आप इसका रूम साइज चेक कीजिए, काफ़ी स्पेसियस आपको रूम साइज मिल जाता है। और इधर आपको ये टीवी पैनल बना हुआ मिलेगा जैसा आप देख रहे हो। और इस एरिया की फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। और इधर आपको ये कबर्ड का स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आपके कबर्ड्स आ जाती है, काफ़ी स्पेसियस आपको कबर्ड्स मिल जाती है। और विद अटैच वॉशरूम, वॉशरूम जैसा आप देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा विद ऑल सैनिटरी फिटिंग के साथ। सिर्फ इसमें जो शीशे लगे हुए हैं, सिर्फ इसमें जो शीशे लगे हुए वो एक्स्ट्रा हैं। और इस एरिया से आपको बालकनी का एक्सेस मिल जाता है। ये हमारी 6 फीट वाइड बालकनी आ जाती है जो कि काफ़ी बड़ी और एकदम स्पेसियस आपको बालकनी मिल जाती है। आप इसकी लंबाई चेक कीजिए। और ये हमारा घर का फ्रंट साइड है, ये आप देख सकते हो। आसपास पूरी बसावट है, सभी जगह लोग रह रहे हैं। और ये हमारा सेकंड बेडरूम आ जाता है। ये हमारा सेकंड बेडरूम है, अभी इसमें लॉक लगा हुआ है। मैं आपको इसका ऊपर वाला फ्लोर का दिखाऊंगा। नीचे वाला जो ये वाला रूम था ना मंदिर के जस्ट बगल वाला, वो नीचे वाला एक्चुअल में बंद था क्योंकि वो अपर ग्राउंड फ्लोर सोल्ड आउट है। तो मैं रूम साइज जो है आपको ये सारा कुछ रूम साइज रहेगा, ये आप देख सकते हो इसका रूम साइज।
काफी स्पेसेस मिल जाता है। इधर आपको ये कबर्ड का स्पेस मिल जाता है। इधर चेक कीजिए, फॉल सीलिंग इसकी आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी। इधर आपको विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के पर्पज से, और इधर आपको ये वॉशरूम मिल जाता है अटैच्ड। ये अटैच कॉमन वॉशरूम आ जाता है, मींस कॉमन एरिया से भी एक्सेस है और उस रूम से भी कनेक्टेड है। तो ये और इस लिविंग एरिया और दो रूम के बाद अब मैं आपको इसका थर्ड बेडरूम दिखा रहा हूँ। ये हमारा थर्ड बेडरूम रहेगा। आप इसका रूम साइज चेक कीजिए, सामने आपको ये कबर्ड्स मिल जाती है, विंडो मिल जाती है वेंटिलेशन के पर्पज से, और ये अटैच वॉशरूम। ये वॉशरूम आपको ऑल सैनिटरी फिटिंग होके मिलेगा जैसा आप देख रहे हो एज इट इज। रूम की आप फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसी ही मिलेगी जैसी आप देख रहे हो। मतलब बैक साइड का सेकेंड बेडरूम था और हमारा ये चौथा बेडरूम आ जाता है। ये मास्टर बेडरूम है। ये आप इस रूम इसका रूम साइज चेक कीजिए, काफ़ी स्पेशियस आपको इसका रूम साइज मिल जाता है और विद टीवी पैनल के साथ ये मिलेगा। आप इसकी फॉल सीलिंग चेक कीजिए, फॉल सीलिंग आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेगी जैसे आप देख रहे हो। ये एज इट इज ऐसा ही मिलेगा, रूम फॉल सीलिंग वगैरह टीवी पैनल एज इट इज। ये कबर्ड्स का स्पेस आ जाता है, यहाँ पे आपको कबर्ड्स मिल जाती हैं और सामने आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। वॉशरूम आपको एज इट इज ऐसा ही मिलेगा जैसा आप देख रहे हो विद ऑल सैनिटरी फिटिंग के साथ। इस रूम के साथ आपको रनिंग बालकनी मिल जाती है, इससे पहले वाला जो रूम दिखाया था उसके साथ भी कनेक्टेड है, और जिस रूम से मैं बाहर निकला हूँ अभी इस रूम से भी कनेक्टेड है। ये आपका बालकनी का साइज रहेगा, आप चेक कर सकते हो। ये इधर आपका वॉशिंग एरिया आ जाता है और ये पीछे भी आप चेक कर सकते हो, आसपास पूरी बसावट है, पीछे भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये पीछे जो लैंड आप देख रहे हो ये क्लब हाउस की लैंड है। मैंने आपको ओवरऑल पूरा घर दिखा दिया है जो कि 255 या 260 गज में बना हुआ है। ये जैसा मैंने आपको एज इट इज दिखाया है एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। एक आध चीजें थी जो एक्स्ट्रा की हुई है, जैसे वॉशरूम में शीशे लगे हुए थे या एग्जॉस्ट फैन शीशे लगे हुए थे, वो शीशे बिल्डर ने नहीं दिए हैं। तो वो सारी चीजें आपको मतलब किसी भी वॉशरूम में शीशे नहीं मिलेंगे, बाकी एज इट इज मिलेगा विद वैनिटी के साथ। और जैसा मैंने दिखाया विद पार्टीशन विद टीवी पैनल, जिस रूम में टीवी पैनल थे वो भी टीवी पैनल आपको एज इट इज ऐसे ही मिलेंगे। और ये मंदिर का स्पेस, ये सामने टीवी पैनल एज इट इज आपको ऐसा ही मिलेगा। और इसमें जो अवेलेबल है ओनली इसके ऊपर वाला सेकंड और थर्ड फ्लोर अवेलेबल है, फोर्थ और ये वाला फर्स्ट फ्लोर ये सोल्ड आउट है। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और मेन 60 फीट रोड पे है, गेट नंबर 6 से एंटर करते ही टी पॉइंट पे प्रॉपर्टी पड़ती है, मेन 60 फीट रोड पे। और अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और जो प्राइस आता है वो थर्ड फ्लोर का 1,28,00,000 रुपये आता है और सेकेंड फ्लोर का 1,30,00,000 रुपये आता है। अगर कोई लेने में इंटरेस्टेड होता है तो आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो। और गाइज अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अंटिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।